नमस्कार, मैं हूं वंद्रा पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जान पर बने आदमखोर, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं दिल्ली। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर पर अहम बैठक। दिल्ली से इस वक्त की है, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। केजरीवाल के घर पर राघव चड्ढा पहुंचे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में केजरीवाल के घर पहुंचेंगे सिसोदिया, और केजरीवाल के घर पहुंचे राघव चड्ढा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर अहम बैठक चल रही है और इसी को लेकर के राघव चड्ढा पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में केजरीवाल के घर पहुंचेंगे सिसोदिया। केजरीवाल के घर पर राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में बैठक भी शुरू होगी और माना जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि जो प्रमुख मुद्दा है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के, वो कौन नया चेहरा होगा जिसको सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री का दावेदार मानेंगे, इसको लेकर के तमाम दिग्गजों को बुलाया है और बैठक कर रहे हैं। केजरीवाल के घर पहुंचे हैं राघव चड्ढा। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और अखिलेश सिंह विजय संवाददाता हमारे साथ हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं सीएम आवास पर, राघव चड्ढा भी पहुंच चुके हैं और मनीष सिसोदिया भी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में बैठक भी होगी, क्या लगता है किस पर चर्चा हो सकती है? कयास तो लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी ये चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के अपने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को बैठक में बुलाया, इसके साथ ही मंत्रिमंडल के सभी नेताओं को भी बुलाया है, और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ ही साथ विधायक दल के सभी की बैठक होगी। इस बैठक में कल के लिए जो तारीख तय की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 17 सितंबर को मुख्यमंत्री का पद दिल्ली छोड़ देंगे, और इसका मतलब सीधा जो है कि आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक की जो शुरुआत हो रही है, इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, किसके नाम पर आम सहमति बन जाएगी, सभी विधायक की आम राय किसके नाम पर होती है, इन चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक के बाद कल एक बार फिर बैठक होगी और इस बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि अब दिल्ली के विधायक दल का आम आदमी पार्टी के नेता किसे चुना जाता है उस पर मुहर लगेगी, और उस नेता को चुने जाने के बाद आगे की कार्रवाई, यानी मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, उसी नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे। अब ये देखना होगा कि जो आज बैठक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, इससे शुरू हो रही है, इस बैठक में क्या निकल के आएगा, किस पर मोहर लगेगी, किसका नाम फाइनल होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये मान के चलना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल विधायक दल के नेताओं की जो बैठक ले रहे हैं, विधायकों की बैठक ले रहे हैं, मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसमें सांसद राज्यसभा सांसद भी शामिल हो रहे हैं, इन सभी की मौजूदगी में चर्चा की जाएगी आखिर अगला चेहरा दिल्ली का कौन हो। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं इस वक्त की, राजधानी दिल्ली से थोड़ी ही देर में केजरीवाल बैठक करेंगे और बड़ी प्रमुख बैठक है, क्योंकि सीएम पद को लेकर के बैठक मानी जा रही है, कई नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। और बात करेंगे जान पर बने आदमखोर।
चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव में बीती रात जंगली जानवर का झुंड गांव में घुस गया और लगभग 7 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में कोहराम मच गया और हल्ला गुल्ला भी सुनकर आसपास के जो ग्रामीण हैं जंगली जानवर के झुंड को मारने के लिए दौड़ा लिए गए। ग्रामीणों ने एक जानवर को मारकर मौत के घाट भी उतार दिया। सूचना के बाद बलुआ थाना अध्यक्ष भी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जंगली जानवरों को खोजने में जुट गए, जिसे मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको ये भी बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी आफत है, दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जंगली जो जानवर है ग्रामीण क्षेत्र में भाग रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सियार का झुंड लक्ष्मणगढ़ गांव में घुस गया और 7 लोगों को निशाना बना दिया। वही बहराइच की महसी तहसील के आसपास के करीब 50 से अधिक गांव में भेड़िए का आतंक जारी है। यहां के लोग करीब 2 महीने से डर के साय में जी रहे हैं। आदमखोर भेड़िए करीब 10 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। भेड़िए के सॉफ्ट टारगेट बच्चे और महिलाएं हैं। आदमखोर भेड़िए के हमलों से बचने के लिए वन विभाग की टीम और शूटर लगातार इलाका खंगाल रहे हैं। बीते दिन सीएम योगी बहराइच पहुंचे और भेड़िए हमले के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। सीएम योगी ने कहा कि हमारी 165 वन विभाग की टीम यहां मौजूद है, पहली प्राथमिकता भेड़िए को रेस्क्यू करना है और यहां 4 थर्मल ड्रोन भी लगाए गए हैं। अगर वहां हिंसा होती दिखे और जनहानि करने से पहले ही उसे गोली मारने के आदेश दिए गए, लेकिन यह अंतिम विकल्प है। लेकिन इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर सभी काम किया जा रहा है। तो तमाम बड़ी बातें कल बहराइच में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे बड़ी बातें कही इससे पहले, और आज जो कि देखा जा रहा है चंदौली में सियारो का एक झुंड गांव में पहुंच गया और सियारो के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। क्या ग्रामीणों का कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। बीती रात्रि में 8:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि बलुआ थाना लक्ष्मणगढ़ में कुछ लोगों को किसी जंगली जीव ने घायल कर दिया है। सूचना पाकर के फॉरेस्ट और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पाया गया कि कुछ लोग अपने घर के बाहर 5-6 लोग बैठे हुए थे। अचानक 2-3 सियार लड़ते हुए आए और उसमें से एक सियार ने 3-4 लोगों को पैंट काट लिया और एक बकरी की थी उसको भी काट लिया है। टीम जो है जो फॉरेस्ट और पुलिस की टीम थी उनको तत्काल जो है CSC पहुँचाया और उनको प्राथमिक उपचार दिलाया और एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवा दिया गया है। वहाँ पर लोगों ने जो सियार जो आए थे उनसे एक सियार को लोगों ने जान माल के खतरा को देखते हुए डर के मारे एक सियार को मार भी दिया है। उसके संबंध में पोस्टमार्टम वगैरह करा के कार्रवाई की जा रही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी पीएम आवास योजना कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। प्रयास सिद्ध होंगे भाई बहनों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भी आज हस्तांतरण कर रहे हैं और यह योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपने सभी के लिए घर, इसको संकल्प उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 768 आवासीय इकाइयों में से 416 इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो चुका है और 110 लाभार्थियों के उनके घरों की चाबी सौंपने का सौभाग्य भी आज हम सबको मिला है। और जब भी हम ये चाबियां सौंपते हैं तो मन में एक बात जरूर आती है कि ये केवल ईंट पत्थर का एक घर नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के सपनों की एक नई शुरुआत है जो वर्षों से एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जिन 101 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जा रही हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है, जब मंत्री जी बार बार उनसे तालियां बजवा रहे थे तो मैं देख रहा था, और जब वो मंच पर भी आए थे तब भी हाँ उन्होंने जरूर कहा कि घर के साथ सड़क भी बननी चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि हम इन सड़कों को भी
आगे बनाए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शेष आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा सके, ताकि इन लाभार्थियों को भी अपने घर का सपना पूरा हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारा हर प्रयास रहेगा कि राज्य हमारा आगे बढ़े। आज शुरू होने वाली सभी योजनाएं उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और हमारा राज्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही हमारे जो विद्युत बिलों में काफ़ी बार जो है, आइए प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राज्यसभा के सांसद जी भी आ गए हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इनका भी स्वागत है। मैं आज हमारे जो 11,50,000 उपभोक्ता हैं जो सीधे सीधे इससे लाभान्वित होंगी, लगभग 50 लाख आबादी को राहत मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के बीपीएल से आच्छादित क्षेत्रों तथा राज्य के अन्य घरेलू उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 1 किलोवाट तक है एवं उनकी खपत लगभग 100 यूनिट प्रति माह तक है को विद्युत बिलों में। और अब बात करेंगे जान पर बनी आदमखोर। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। अनीस अंसारी बीजेपी नेता हैं हमारे साथ, अवधेश यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और फराज अंसारी बहराइच से हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा चंदौली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अश्विनी मिश्रा, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि चंदौली में देखा गया कि भारी संख्या में ग्रामीणों पर हमला किया है जंगली जानवरों ने और कई ग्रामीणों को घायल भी किया है। क्या हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, अपडेट क्या है इस समय घायलों की? जी बताना चाहेंगे कि बीती रात बनुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गाँव में एक जंगली जानवरों का हुजूम गया था, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। एक बकरी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई उन जानवरों द्वारा। लोगों की भीड़ ने जुट करके जहां उनको खदेड़ने का काम किया, वहीं एक जानवर को मौत के घाट उतार दिया। उसमें डीएफओ की माने तो वो सीआर प्रजाति का जानवर है जिसे मारा गया है, और सीआर का ही झुंड गांव में हेला था और लोग एक जगह बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान यह झुंड जो है ग्रामीणों पर हमला कर दिया था और उसके बाद ये घटना घटी। हालांकि सभी को रात को ही उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर के उपचार कराया गया, और सूचना के बाद बलुआ थाना अध्यक्ष वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और काम भी किया, लोगों को जागरूक भी किया कि घर में सोए बाहर न सोए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बलुआ थाना क्षेत्र जो है ये गंगा का तटवर्ती इलाका है। इसमें गंगा में बाढ़ का जो उफान है गंगा का वो चल रहा है, तो माना जा रहा है कि तटवर्ती इलाकों को छोड़ करके जानवर अपने ठिकाने तलाशने के लिए वो ऊपर आ रहे हैं, जिससे वो रिहायशी इलाके में चले गए और उसके कारण ये घटना घटी है। अभी कुछ दिन पहले जनपद के चकिया क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में भी जंगली जानवर के हमले से लगभग 8 लोग घायल हो गए थे। हालांकि उन जानवरों का पता नहीं चल पाया और वन विभाग अभी भी कामबिंग कर रही है, पिंजरे लगाई हुई है, लेकिन उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, देखा भी जा रहा है कि वन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है जिस तरह से ये घटना घटी है। फराज, बहराइच में अगर बात करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे और कहा है अगर काम नहीं आता है कोई तो सीधा गोली मार दो, ऐसे आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। पहले पकड़ने की ही हिदायत दी, बाद में कहा कि अगर पकड़ से बाहर जाता है तो जब दिखे तब गोली मार दो। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जनपद बहराइच के महसी इलाके के लगभग 50 गांव आदमखोर भेड़िए की दहशत के साए में जी रहे हैं और लगातार ये भेड़िए ताबड़तोड़ हमले करते हुए लोगों को घायल कर रहे हैं। अब तक इनके हमले में 10 लोगों की जाने जा चुकी है और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। लगातार वन विभाग कॉम्बिंग कर रहा है, थर्मल ड्रोन चला रहा है और हाका लगा रहा है,
ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है, लेकिन एक बड़ी बात है कि ये हमले कहीं ना कहीं रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जबकि वन विभाग 5 भेड़ियों को पकड़ने का दावा कर रहा है और एक लंगड़ा भेड़िया जो अभी उनकी तरफ से दूर है। लेकिन बड़ी बात है कि ये एक दिन में दो दो घटना रात में अंजाम दे रहे हैं, करीब 30 और 40 किलोमीटर दो थाने की रेंज में ये लगातार मासूम व बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। बात कल रात की कर रहे हैं, 13 वर्षीय मासूम जो अपनी माँ के साथ छत पर सोया था उसको एक जंगली जानवर ने जो है उस पर हमला किया है, गर्दन पे दबोच बिल्कुल फराज, और देखा भी गया कि जो हमले हो रहे हैं जंगली जानवरों की ओर से, लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव होते नजर आए, और इसी के साथ ही साथ देखा ये जा रहा है खुद पहुंचे भी सीएम योगी और तमाम तरह की जो हिदायतें वो भी दी और पीड़ितों से मुलाकात भी की है। हमारे साथ अनीस अंसारी जी भी हैं। अनीस जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीएम योगी जो हैं बेहद एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इस वक्त देखा ये भी जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, आदमखोर हैं, वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, साथ में हिदायत भी दे रहे हैं, लेकिन वन विभाग की नाकामी भी देखी जा रही है कि इतने दिनों से सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, बावजूद इसके अभी एक भेड़िया नहीं पकड़ा जा सका है। अनम्यूट कर लीजिए अनीश जी। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। वंदना जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरह की ये घटनाएं हुई हैं जंगली जानवरों द्वारा, भेड़ियों द्वारा, दरअसल भारी बारिश के कारण काफी क्षेत्र जो है जल भराव हुआ, जहां इनके रहने के ठिकाने हुआ करते थे उस पर, उस जगह जल भराव हुआ तो वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए आबादी की तरफ बढ़े। उसमें से खूंखार भेड़िए जो भूखे प्यासे उन्होंने हमला किया, शर्मनाक बात है, घटना बहुत अच्छी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी खुद पीड़ितों से मिलने गए, अस्पताल गए, उनके परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। दूसरा, वन विभाग की टीम लगाई गई, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, पूरा अमला जो है एक्टिव किया गया है, जल्दी इन खूंखार भेड़ियों को पकड़ा जाएगा और जनता को राहत की सांस मिलेगी, ऐसा हमारी सरकार ने कार्य किया। सरकार ने काम किया, लेकिन अभी भी देखा यही जा रहा है कि जो भेड़ियों का आतंक पूरी तरह से बना हुआ है। और हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जो कि संवाददाता हैं चंदौली से, इस बात की जानकारी दे रहे थे। जो बहराइच से हैं फराज अंसारी, वो भी बता रहे थे कि अभी भी जो दहशत है वो बनी हुई है। अवधेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये आतंक बना हुआ है जंगली जानवरों का, ग्रामीण परेशान है, किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बन रही है ऐसा कहा जाता है, और बाढ़ की स्थिति होने से, जल स्तर बढ़ने से जो भेड़ियों का रुझान है वो ग्रामीण एरिया में है, शहरी क्षेत्रों में है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे वंदना पांडे जी, और इस विषय में ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार बाढ़ नहीं आई है, ना बारिश पहली बार हुई है, और हमारे अयोध्या जनपद से सटा हुआ ही बहराइच जनपद है। अभी अभी आपने भी सुना होगा कि 1 दर्जन जनहानि आदमखोर भेड़ियों के द्वारा हुई है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि भाई साहब बता रहे, संज्ञान लिया है। मेरा तो ये मानना है और जनता का भी ये मानना है कि पहले तो कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार फेल रही है, और पूरे प्रदेश की सुरक्षा की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के ऊपर होती है। जिस प्रकार से आदमखोर भेड़िए एक्टिव हैं बहराइच जनपद में, उसके साथ साथ अन्य जनपदों में भी एक्टिव हो गए हैं, आप देख रहे हैं लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई एक जनहानि हो रही है। 1 दर्जन के लगभग लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और कितने घायल हैं, जिसका मुख्यमंत्री जी के पास कोई इंतजाम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है, जनता पूरी तरह से हाल बेहाल और परेशान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर प्रदेश ना संभल पा रहा हो तो सबसे पहले इस्तीफा दे दें, ताकि जनता राहत की सांस ले और पुनः चुनाव कराकर एक योग्य मुख्यमंत्री आएगा जो पूरे प्रदेश को संभालेगा, पूरी प्रदेश की जनता राहत की सांस लेगी।
अवधेश जी, आप ये बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए, बहराइच में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और पूरी कमान संभालते नजर आए थे। उन्होंने कहा था अगर पकड़ से बाहर रहता है भेड़िया या फिर कोई जंगली जानवर जो हमलावर है, हमला करता है, उसे देखते ही गोली मार दो। बेहद सख्त नजरिया देखने को मिला था योगी आदित्यनाथ का। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यदि समय होता तो इसकी व्यवस्था समय रहते की जाती है। चाहे बाढ़ का मामला हो या प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, इसका इंतजाम पहले किया जाता है। आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर प्रदेश के लोगों की चिंता होती तो इसका इंतजाम पहले होता है ना कि समस्या आने पर। आपके पास वन विभाग है, तमाम सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में हैं और विगत 7 साल से आप शासन चला रहे हैं, तो आज कोई पहली बार बारिश या बाढ़ तो आई नहीं है। ये हमेशा का नियम है कि बारिश होगी, बाढ़ आएगी, जनता के सामने समस्या होगी। अवधेश जी, ऐसा आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि पहले कभी भेड़ियों ने हमला नहीं किया, पहले आतंक देखा नहीं गया, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और अजीत सिंह हमारे साथ हैं, डीएफओ हैं हमारे, और इनसे जान लेते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप भेड़िया को या किसी भी जंगली जानवरों को जो भी आतंक मचाए हुए है, दहशत फैलाए हुए है। 17 जुलाई को घटना प्रकाश में आई थी, उसके बाद लगभग 1.5 महीने के अंदर हमने 5 भेड़िए पकड़े हैं, 6 भेड़िए दिखाई पड़े थे और 6 में से 5 हमने पकड़े हैं। वन विभाग की टीम दिन रात मेहनत करके ये इतने भेड़ियों को पकड़ा है, और यहाँ की पूरी जो लोग हैं, यहाँ के चाहे वो जनप्रतिनिधि चाहे जो हो, यहाँ के जो सभी विभाग के जो हमारे चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग के हों, ग्राम विकास के हों, PRD के हों, जितने भी लोग हैं, सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, जनता भी सहयोग कर रही है और वन विभाग की मेहनत को सब लोग सराह भी रहे हैं, सराहना भी की जा रही है, जिससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिल रही है और हम लोगों ने 6 में से 5 पकड़े हैं। ये जो है हमारी उपलब्धि है। सर, क्या माना पकड़ना जो बड़ा कठिन काम होता है, जो छठा भेड़िया है उसे कब तक पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि अभी भी डर देखा जा रहा है ग्रामीणों के अंदर। इंसान ही सब कुछ नहीं है, वो जानवर भी, वो उनकी भी कुछ इच्छा होती है, उनका भी कुछ पक्ष होता है, और जैसे अभी हमारे पास जानवरों की लोकेशन मिलती रही, भेड़ियों की लोकेशन मिलती रही, हम लोग लगातार पकड़ते रहे। इधर क्या हुआ, देखिए हम लोग प्रकृति से पढ़कर नहीं हो सकते हैं, अचानक क्या हुआ, जब हमने 5वां भेड़िया पकड़ा उसके बाद से बारिश तो हुई ही, बारिश के अलावा पानी अचानक बढ़ने लगा और अभी कल तक बढ़ रहा था पानी। जहाँ पर उनकी लोकेशन हुआ करती थी वो लोकेशन पूरी तरीके से पानी में डूब गया, उसके बाद भेड़िया को अपना स्थान बदलना पड़ा। अब स्थान बदल देने के बाद हमारे लिए थोड़ा लोकेशन करना, लोकेशन लेना उसकी उसका कठिन होता है, कि दाएं गया, बाएं गया, पूरब गया, पश्चिम गया, किधर गया। इस चीज़ को हम लोगों ने अभी परसों तो पूरा महसी तहसील हम लोगों ने चेक किया था, 4 ड्रोन हम लोग चलवा रहे हैं, 4 ड्रोन में कहीं वो नज़र नहीं आया। अब हम उसके महसी तहसील के बाहर कोशिश कर रहे हैं, हमारे भी लिमिटेशंस हैं, जबकि उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कहीं भी, गन्ने का खेत का बहुत बड़ा बड़ा पैस है यहाँ पर, वो कहीं भी जा सकता है, कितना भी दूर चल सकता है, वो लगातार चलते हुए 25-30 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर जा सकता है, हो सकता है हमारे क्षेत्र से बाहर जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं और कोशिश हमारी सफल भी हुई है। एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से भेड़िया आपकी पकड़ से एक बाहर है, लेकिन कौन से वो टेक्निक्स हैं, तकनीकी हैं जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और उस तकनीक के माध्यम से आप जिसे लंगड़ा भेड़िया बोला जा रहा है उसे पकड़ने की जो कवायद देखी जा रही तेज कर दी है? नहीं, कोई लंगड़ा भेड़िया नहीं है, सभी भेड़िए स्वस्थ हैं, कोई उसमें से लंगड़ा नहीं है, वो लंगड़ा अभी तक कोई भेड़िया हमारे थर्मल जोन में नहीं आया है। और किस तरीके जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेनली उसके भेड़िए के जो लोकेशन की, हमारे पास 3 तरीके होते हैं, या तो कोई ग्रामीण कहीं देखे आँख से वो बताए, दूसरी चीज़ है हम लोग पगमार्क ढूंढते हैं,
तीसरी चीज हम लोग थर्मल ड्रोन से ढूंढते हैं, तो जब कभी ऐसा भी होता है कि तीनों चीजों से हमको सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं, तो हम लोग जो संवेदनशील स्थान होते हैं वहां पर खुद जाकर के ढूंढते हैं कि शायद वहां पर उसकी वो मिल जाए। तो हम लोग इसके बाद हम लोग पिंजरे लगाते हैं, हम लोग जाल लगाते हैं, तमाम तरीके से जो भी व्यवस्था हो सकती है। देखिए हमारे हम लोगों का प्रयास, हम लोगों के प्रयास की दिशा सब कुछ सही है, इसीलिए हम लोग पांच पकड़े हैं। और भेड़िए की बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि भेड़िए को पकड़ना बहुत ही कठिन काम होता है, और जो जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं उसका हम सभी को दुख है। कोई नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा जो है किसी के बच्चे को भेड़िया उठाए, कोई नहीं चाहता। हम लोग भी बहुत दुखित होते हैं, और जितने भी बच्चे उठाए गए सबको हमारे भाग ने ही ढूंढ करके दिया। रात रात एक बात जानना चला चाहेंगे, पानी में दौड़ दौड़ करके, हम स्वयं कई जगह पानी में दौड़ दौड़ करके ढूंढ करके जो गायब बच्चे हैं उनको ढूंढ करके कम से कम तलाश करके हम लोगों ने दिया। तो हमारा विभाग पूरी मेहनत कर रहा है और सफल भी हुआ है। वही है कि बारिश काफी हो गई, इधर जल स्तर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, अभी भी हम जा रहे हैं ढूंढने। अगर बात करें हिदायत देने की अपने, और जिस तरह से ग्रामीण एरिया में देखा जा रहा है कि लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनके घर में दरवाजे भी नहीं लगे हैं, तो ऐसे में वो अपनी सुरक्षा किस तरह से करें, एक सवाल ये बनता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि भेड़ियों का जो आतंक है लगातार बना हुआ है, उससे रोका नहीं जा सकता, जैसा कि आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित कैसे रहें, कैसे अपने आप को बचाएं? नहीं, भेड़िए के आतंक को रोका गया है, ऐसा नहीं है मैम, भेड़िए के आतंक को रोका गया है। अभी दो कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है 2 तारीख के बाद, ये उसी का नतीजा है कि हमने 5 पकड़े हैं। और बाकी जो दरवाजे की बात कर रही हैं, ये तो हमारा वन विभाग है, वन विभाग जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि जो आतंक बना हुआ है भेड़ियों का, वो बना हुआ है, और इसी के साथ ही साथ जान पर बने हैं आदमखोर। हमारे साथ फराज अंसारी बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अश्वनी मिश्रा भी चंदौली से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं जान पर बने आदमखोर, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, अनीस अंसारी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, अवधेश यादव सपा नेता हमारे साथ हैं, और बात कर रहे हैं जंगली जानवरों के आतंक को लेकर के। आप जैसा कि जानकारी भी आप सुन रहे थे वन विभाग के एक अधिकारी से, अनीस जी, जिस तरह से देखा जा रहा है अभी भी एक जो भेड़िया है वो पकड़ से बाहर है, तो ऐसे में वो अब कौन से इंतजाम करने चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या वहां पर इंतजाम कराना चाहेंगे कि लोग वहां पर जो दहशतगर्द हैं अभी वो उस स्थिति में ना रहें, क्योंकि बाढ़ बारिश को कोई नहीं रोक सकता। अनीश जी, आवाज जा रही है आपको? जी जी जी, चाहता हूँ कुछ दैवीय आपदा होती है, जैसे कोरोना काल में जो महामारी फैली थी, उस तरह से कुछ दैवीय आपदाएं होती हैं, इसी तरह से इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ तो है नहीं। अब जो विपक्षी दल हैं उनकी तो आदत है विरोध करने की, कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, इतनी बड़ी बात कह दी समाजवादी पार्टी के नेता ने, उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया था जिस समय वो सफाई में बैठ के निरत देख रहे थे और वहां जनहानि हो रही थी, आपस में इंसान इंसान को मार रहे थे, सहारनपुर की घटना याद दिला रहा हूं मैं आपको, उस समय इन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर नहीं दिया। यहाँ भेड़ियों का आतंक है, पब्लिक की समस्याएं परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी घर घर सभी लोगों से मिलके आए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। स्टेट के सीएम भेड़ियों के आतंक से परेशान महिला पुरुषों से, नागरिकों से मिलने उनके दरवाजे पे गए,
तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं जनता के हित के काम करती हैं। और इसमें देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आदेश किया है कि अगर उन भेड़ियों को पकड़ा जा सके, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा सके, तो हर जतन से उनको पकड़िए। अगर पकड़ने में सक्षम नहीं है और आपको लग रहा है बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला, हम सभी ने सुना जो बड़ा बयान उन्होंने दिया भेड़ियों को लेकर के, जानवरों को लेकर के जो हमला कर रहे थे वो भी हम सब ने सुना, उसी की बात कर रहे हैं। अवधेश जी, आप जिस तरह से कह रहे थे इस्तीफा देने की बात, जिस तरह से भेड़ियों का आतंक जो बना हुआ है, ऐसी स्थिति में आपने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर पटाक्षेप किया है अनिश जी ने, क्या कहना चाहेंगे? अभी माननीय अंसारी जी कह रहे हैं कि बड़ा आदेश किया है, बड़ा आदेश तो हम तब मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये काम है कि जहां जनता को परेशानी हो, जनहान हो, वहां जाएं, घर पे मिलें, ये कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं है। हम ये चाहेंगे कि बड़ा आदेश इसे कहते हैं कि जितनी जनहान हो गई है। अभी तो आप कह रहे थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जब उन्होंने वहां पर जाकर सबकी खैरियत पूछी और पीड़ितों से मुलाकात की, आदेश दिए और सख्त निर्देश भी दिए, तब आपने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अब आप उनको काम अपना गिना रहे हैं। इस्तीफा देने की बात मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से संभल नहीं रहा है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार घटनाएं, लूट, रेप आए दिन हो रहे हैं, उसी के क्रम में ठीक है सर, बात यहाँ पर वीडियो के आतंक की हो रही है और आप दोनों की बात सुन ली और समझ भी ली। खैर, जो आतंक बना हुआ है भेड़ियों का वो देखा जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सख्त हैं और साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी जो निर्देश है वो दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही साथ जो छठा भेड़िया है उसे पकड़े जाने की जो कवायद वो तेज कर दी गई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही साथ